बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैथ के वो ऐसे तमाम सवालात जो कि पिछले 5 सालों में पंजाब पुलिस, पंजाब हाईवे पुलिस, SPO, FIA के टेस्ट में बार बार आ रहे हैं, वो आपके लिए कंपाइल किए गए हैं। वो कौन से सवालात हैं वो हम देख लेते। 70% मैथमेटिकल इस्तेमाल होता है कैलकुलेशन में, और बाकी 30% IQ टेस्ट होते हैं। 30% कॉमन सेंस का इस्तेमाल होता है, वो कैसे आगे चल के हमको बताएंगे। मैथमेटिक IQ में चार चीज़ें बहुत अहमियत की हमल है, वो कौन कौन सी हैं? प्लस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। व्हाट इज़ IQ टेस्ट? IQ स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस क्वोटेंट, जहाँ जांचने का पैमाना। ए मैथ इज ऑफ ए पर्सन इंटेलिजेंस एज इंडिकेटेड बाई ए इंटेलिजेंस टेस्ट। द रेशियो ऑफ ए पर्सन मेंटल एज टू दी क्रिटिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। एक शख्स के जहानत की पैमाइश जो किसी जहनी टेस्ट इंटेस्ट के जरिए की जाए। एक शख्स की जहनी और तारीखी उम्र का तनासब जिसे 100 से ज़र्ब किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुरान इज़ टू मुस्लिम्स एज बाइबल इज़ टू। कुरान मुस्लिम्स की होली बुक है तो बाइबल किन की होली बुक है? ये IQ टेस्ट है। ऑप्शन है हिंदू, जो सिख एंड क्रिश्चियन। सिंपल है, जो बाइबल है वो क्रिश्चियंस की होली बुक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ द नंबर डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। कहते हैं कौन सा पेयर जो फॉलोइंग नंबर है इनमें से नहीं मिलता। ऑप्शन हैं इसकी, और ये मैथ क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पता चला जो फर्स्ट पेयर उसमें 6 का डिफरेंस है, सेकंड में 8 का, थर्ड में 5 का, फोर्थ में 3 का, और लास्ट में 7 का डिफरेंस है। और थोड़ा सा गौर करें तो एक सीक्वेंस बन रहा है 6 7 5 3 8, मतलब 5 6 7 8। मतलब इसमें जो सीक्वेंस से आउट ऑफ सीक्वेंस है वो है डी ऑप्शन नंबर 3। जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा तनासब मालूम करें। 4 16 6 एंड क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 20 24 28 एंड 36। हल कर लेते हैं। तो 16 कैसे आया? 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। तो बात है, नेक्स्ट जो 6 है इसको मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो मतलब आंसर हमारा आ जाएगा 36। 36 हमारा आंसर होगा, मतलब 4 16 6 एंड 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मिडिल लेटर। ये IQ टेस्ट है। जी मिडिल लेटर बताएं। मिडिल लेटर कौन सा होता है? मिडिल लेटर होता है दरमियाना लेटर, सेंटर का लेटर। मतलब BCDEFG, मतलब 1 2 3 से और 3 2 1 से, तो सेंटर में क्या आया हमारा? वो आया ई। कि ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अगर एक मुस्तकील की लंबाई चौड़ाई बिलतरतीब 100 सम और 120 सम है तो इनका आपस में तनासब बताएं। कहता है मुस्तकील की लंबाई बिलतरतीब 100 सम और 120 सम है तो इनका तनासब क्या होगा? ऑप्शन हैं 6 8 6 5, 12 10 या 14 20। स्क्रॉल कर लेते हैं, कितने कितने बताए इसने? 100 एंड 120, 100 120, 0 0 से गया, बाकी बचा 10 एंड 12। 10 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 5, और 12 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया, मतलब हमारा तनासब होगा 6 5। ठीक है, और आंसर हमारा इसका ऑप्शन 2 होगा, 6 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ए बी इज इक्वल टू 6 हो तो 6 AB की कीमत क्या होगी? ऑप्शन हैं 36 40 44 56। स्क्रॉल कर लेते हैं, 6 AB मतलब करना है, और हमें पता है कि ए बी की कीमत क्या है। ए बी की कीमत ऑलरेडी वो क्वेश्चन बता रहा है, ए बी की कीमत है 6। तो ए बी की जगह हमने 6 रखा, ए बी इक्वल टू 6, मतलब 6, और ए बी की जगह आ गया 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 36 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज़? कहता जी सीरीज में नेक्स्ट क्या आएगा, 3, 6, 12, 24, 48 या ऑप्शंस? ऑप्शंस हैं 94, 96, 98, 102। ये मैथ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 24 = 48। मतलब जो हर फिगर है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम जो लास्ट है 48 उसको भी हम मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, तो हमारा मतलब आंसर 96 होगा। ऑप्शन बी 96 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसल्लस के अंदरूनी जावियों का मजमू कितना होता है, 90, 160, 180 या 36? मुसल्लस है, मुसल्लस के जो तीनों जावी होते हैं उनका जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है, से 60, 60, 60, मतलब 60, 60, 120 और 60, 180। मजमू कितना हो गया, 180। तो मुसल्लस के अंदरूनी जावियों का मजमू 180 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 1 लाख रुपए मालियत हो, एक बेटे और 3 बेटियों में इस तरह तकसीम हो कि बेटे को दुगना हिस्सा मिले, तो बेटे का हिस्सा कितना होगा? ये मैथ क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं 25,000, 40,000, 45,000 एंड 50,000। इसको सॉल्व कर लेते, तो एक बेटे और 3 बेटियों का हिस्सा मालूम करना है, मतलब जायदाद में हिस्सा जो बेटे का है वो एक है और बेटा एक है, बेटियां कितनी हैं, बेटियां 3 हैं, मतलब जायदाद में जो बेटे का हिस्सा होता है वो दुगना होता है और बेटी का सिंगल हिस्सा होता है, मतलब 1 × 3 = 3, 3 बेटियां होगी और बेटे कितने हैं, एक बेटा है, बेटे का हिस्सा कितना, दुगना हिस्सा होता है, 2 × 1 = 2, तो 3 + 2 = 5, टोटल हमने 5 से मालूम करने हैं। और जायदाद की मालियत कितनी है, 1 लाख है कुल जायदाद, बेटे का कितना क्या है, कितना है, 1 लाख × 2 / 5 = 40,000, 40,000 हमारा मतलब आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कम इन द फॉलोइंग सीरीज, कहता है जी फॉलोइंग सीरीज में नेक्स्ट सीरीज क्या होगी। क्वेश्चन है 2, 7, 24, 77 एंड ऑप्शन। ऑप्शन हैं 144, 236, 238, 99 एंड 77। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 3 = 6 + 1 = 7, 7 × 3 = 21 + 3 = 24, 24 × 3 = 72 + 5 = 77। मतलब जो पहला फिगर है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें ऐड कर रहे हैं, पहले फर्स्ट 1 ऐड किया, फिर 3, फिर 5, मतलब जो लास्ट है उसको भी 77 को भी हम मल्टीप्लाई बाय करेंगे, किससे, 3 से मल्टीप्लाई बाय 3 किया = 231, और ऐड हमने करना है, दो फिगर छोड़ कर रहे हैं 1, 3, 5, ऑटोमेटिकली क्या ऐड होगा इसमें, 7 ऐड होगा, मतलब 231 + 7 = 238 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी 238। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 4 पीपल कैन डू ए वर्क इन 40 मिनट्स, देन 8 पीपल कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी मिनट्स। ये मैथ क्वेश्चन कहते थे 4 लोग एक काम को 40 मिनट सर अंजाम देते हैं, तो 8 लोग उसी काम को कितनी देर में सर अंजाम देंगे। ऑप्शन हैं 20, 40, 60 एंड 80। मैथ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते। दो चीज़ें हैं, एक पीपल एक टाइम, पीपल कहते हैं 4 पीपल हैं और 40 मिनट टाइम है, 8 पीपल हैं और टाइम कितना होगा, 4 × 8 = x, 40 × 4 / 8 = x, 160 / 8 = x एंड आंसर आ गया 20। मतलब 4 पीपल 40 मिनट्स में टाइम मिनट में काम सारा सरंजाम देते हैं, तो जो 8 पीपल हैं वही काम 20 मिनट में सरंजाम देंगे, हमारा आंसर होगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 + 4
-4x4 / 4 = क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है 0, 1, 4 एंड 8। इसको सॉल्व कर लेते, इसको हम सॉल्व करेंगे डी मैथ्स के फॉर्मूले से। डी मैथ्स का मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। एंड में 4 + 4 - 4 / 4 / 4। पहले डिवाइड करना है इसको। 4 + 4 = 1, ठीक है। फिर 4 डिवीजन के बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। 4 * 1 = 4। फिर ऐड हो रहा है, एडिशन कर रहे हैं। 4 + 4 8 हो गया, और -4 है। लास्ट में क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो 8 - 4 = 4, मतलब 4 + 4 - 4 / 4 / 4 = 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रहीम सैलरी टू इमरान सैलरी टू नवीद सैलरी इफ फहीम मेक्स 80,000 रुपीज, इमरान 70,000 रुपीज एंड नवीद मार्क्स 50,000 रुपीज। कितना अगर सैलरीज का कंपैरिजन किया जाए, मतलब फहीम 80,000 ले रहा है, इमरान 70,000 ले रहा है और नवीद 50,000 ले रहा है, तो इन तीनों की सैलरी का तनासब क्या होगा? ऑप्शन हैं 80, 70, 60, 875, 475 या 785। क्वेश्चन मैथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 80,000, 70,000 एंड 50,000, ठीक है। ये फिर कट गए आपस में, तो हमारे पास लास्ट में क्या बचा है, 875, मतलब ऑप्शन बी 875 की का तीनों का आपस में सैलरी ट्रांसफर होगा 845, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट दिस सीरीज, कहता है सीरीज को कंप्लीट करें। 27, 25, 26, 24, 25, 23, 24 एंड 22। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, 26 है। इसमें थोड़ा सा गौर करें तो दो सीरीज आ रही हैं, 26, 27, 25, 24 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, 25, 24, 23, 22 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, मतलब 27, 26, 25, 24 और आगे क्या होगा, 23, ऑप्शन बी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल एंगल्स डेट आर ऑपोजिट टू ईच अदर आर आल्सो, कहता है जी जो वर्टिकल एंगल्स होते हैं वो आपस में सेम होते हैं या नहीं होते। ऑप्शन है नॉट इक्वल, नहीं होते, ऑपोजिट होते हैं, स्केलस होते हैं या इक्वल बराबर होते हैं। तो ये एक मुस्तकिल है, इसमें जो वर्टिकल एंगल है, ये दो एंगल हैं इसके जो ऑपोजिट हैं। जारी बात है, जो इसके चारों कोने आपस में एक दूसरे से मिलाप करेंगे, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ऊपर नीचे करेंगे, मतलब दो की बात कर रहा है वो। वर्टिकल एंगल्स दो डिफरेंस हैं, ये अगर सेम है तो डेफिनेटली ये भी सेम होगा। मतलब कह सकते हैं वर्टिकल एंगल्स डैट आर अपोजिट टू ईच अदर आर ऑल्सो इज इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर इज टू पंजाब एज कराची इज टू, मतलब लाहौर पंजाब में है तो कराची किस सूबा का हिस्सा है? ये आईक्यू टेस्ट है, सिंपल है। लाहौर पंजाब में है तो कराची सिंध में है, ऑप्शन सी सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेकंड ऑफ द नंबर इज एडेड टू द शॉर्टेस्ट एंड डिवाइडेड बाय द थर्ड नंबर देन द आंसर विल बी, कहते हैं जी जो सेकंड नंबर है वो अगर ऐड किया जाए, जमा किया जाए, कि इसमें जो सबसे छोटा हिस्सा है उसमें अगर जमा किया जाए, फिर क्या करना है, एंड डिवाइडेड, फिर डिवाइड करना है उसको, थर्ड नंबर जो हिस्सा है उसमें डिवाइड करना है, तो हमारे पास मतलूबा आंसर क्या होगा? मतलब ऑप्शन है 2, 14, 4 एंड क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन है 2, 4, 6, 8 एंड 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है वो, कहता है जी इफ सेकंड ऑफ द नंबर इज एडेड टू द शॉर्टेस्ट, कहते हैं जी सेकंड नंबर क्या है इसमें, सेकंड नंबर 14 है, उसको ऐड करना है किसमें, 2, 14, 4। सेकंड नंबर को ऐड करना है जो सबसे छोटा हिस्सा, छोटा हिस्सा कौन सा है, मतलब ये पहला जो 2 है ये छोटा है, 4 + 2 = 16। फिर कहते हैं जी डिवाइड करना है इसको, जो तीसरा हिस्सा है तीसरे नंबर में डिवाइड करना है, तीसरा नंबर क्या है, 4 है, तो 16
डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4। ऑप्शंस बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपी इज टू पाकिस्तान एज येन इज टू। आई बी टेस्ट है कहता जी रुपी पाकिस्तान करेंसी है तो येन किसी करेंसी है, जो येन है वो जापान की करेंसी है, ऑप्शन सी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदनान वाज 21 ईयर ओल्ड इन 1945, हाउ ओल्ड विल बी 1965। कहता जी अदनान की उम्र जो है वो 21 साल है 1945 में, तो 1965 में इसकी उम्र क्या होगी। ऑप्शन है 41, 43, 45 एंड 65। सिंपल है, 1965 से लेस किया 1945 इज इक्वल टू आया 20, 20 को ऐड कर दें 21 में तो ऑप्शन होगा 41। मतलब 1945 में अदनान की उम्र 21 है, तो 1965 में क्या होगी, ऑटोमेटिकली उसकी 20 ऐड हो जाएगा और वो ऑप्शन हो जाएगी उसकी 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द, कहता जी कौन सा पॉलिंग में डिफर है। ऑप्शन है मई, नवंबर, फ्राइडे एंड अगस्त। ये आईक्यू टेस्ट है, थोड़ा सॉल्व गौर करें तो मई मंथ है, नवंबर मंथ है, फ्राइडे डे है और अगस्त भी मंथ है। मतलब इसमें डिफर क्या कर रहा है, जो फ्राइडे है वो डिफर कर रहा है वो डे है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज आउट ऑफ द लिस्ट, कहता जी कौन सा वो नाम है जो इस लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान एंड काबुल। तो कॉमन सेंस की बात है, लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान, लाहौर है पंजाब में, पंजाब पाकिस्तान में, जो काबुल इस लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ फिलो इज कोडेड एज 46465531 देन इलो इज कोडेड। ऑप्शन हैं 13565655531 35651 15335। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिलो का वो खुद बता रहा है कोड क्या है, फिलो का 465531 है, मतलब एफ इज इक्वल टू 4, ई इक्वल टू 6, एल इज इक्वल टू 5, 0 इक्वल टू 3, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। देन इलो क्या होगा, एफ ई ई में, ई में क्या था 6 है और एल में 5 था, एल 5 और 0 में 3 था और डब्ल्यू में था 1, मतलब इलो 65531। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा मतलब आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेटर कम अल्फाबेटिकली इन ऑर्डर इन दी वर्ड ड्राइंग्स, कहता जी कौन सा लफ्ज ड्राइंग्स में अल्फाबेटिकली पहले आएगा। ऑप्शन हैं डी, डब्ल्यू, ए, जी। ये आईक्यू टेस्ट है, ड्राइंग्स में ऑटोमेटिकली जो वर्ड ड्राइंग्स हैं इसमें जो पहला लेटर होता है वो डी होता है, यानी कि ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर इज आउट ऑफ लिस्ट, कहते हैं कौन सा नंबर इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए, 4, 7, 8 एंड 12। ये 4 2 पे डिवाइड हो रहा है, 7 डिवाइड नहीं होता, 8 डिवाइड होता है, 12 डिवाइड होता है, मतलब 4, 8, 12 डिवाइड हो रहे हैं और 7 डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब जो लिस्ट में शामिल नहीं होगा वो ऑप्शन बी 7 होगा। और आखिर में दोस्तों, आप तमाम का ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग को सब्सक्राइब जरूर करें और फीडबैक में अपने कमेंट्स लाजमी करें, ताकि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाई जा सकें। अल्लाह हाफिज़।